Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Today we are going to start our new session means our new practice set. ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हमारे सारे ही जो एग्ज़ाम्स होते हैं चाहे के का है या आपके जो यू जी सी नेट है या हरियाणा का कोई भी एग्जाम है ये सब में इम्पॉर्टेंट रहते हैं और इनका विटेज काफ़ी रहता है सो so लेट ए स्टार्ट सबसे पहले इन सब्जेक्ट नॉलेज सो so, यहाँ पर गिवन है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर वर्ड सो दिस इज़ नाइनटी वन टू नाइन्टी फाइव सो मेनली क्या होता है कि हम बहुत हरी में ये जो डायरेक्शन होती हैं इसको कम रीड करते हैं लेकिन ये ज़रूरी पढ़नी चाहिए क्योंकि इसी पे बेस्ड रहता है सारा क्वेश्चनस जो होता है सो so, यहाँ पर हमें प्रॉपर वर्ड फील करना है मीन्स नवीन इज़ नॉट एज डैश एज़ परवीन क्योंकि हेयर यहाँ पर जो है मेनली कम्पेरिजन है क्योंकि मेनली ये टेंस और सिंटेक्स के क्वेश्चन हैं और इनमें जो बेसिक जो इसकी सेंस बनती हैं वो हमें इसमें लिखना होता है सो ऑप्शंस हैं टॉलर मोर टॉलर टॉल एंड टॉलेस्ट सो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन सी नवीन इज एज टॉल एज प्रवीण क्योंकि ये बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस है कि जो नवीन है वो प्रवीण जैसा नहीं है मीन्स लंबा इसमें हाइट की बात कही गई है नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट फिलर डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स टू कंसील हिज एंगर डैश मींस कि अच्छे एफर्ट्स होने के बावजूद भी वो अपना गुस्सा नहीं छुपा सकते क्योंकि कंसील जो होता है वो छुपाना होता है वी वी कुड डिटेक्ट दैट ही वॉज एंग्री ही सक्सीडिड इन कॉम्फ्लैंग हिज इमोशंस ही कुड सक्सीड इन डूइंग इट ईजीली एंड पीपल केम टू नो दैट ही वॉज अ सो ऑप्शन बी में जो वर्ड है कॉम्फ्लॉन्गिंग कॉम होता है कि अपने इमोशंस में बह जाना उनको काबू में न रख पाना सो so, यहाँ जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी यानी पीपल केम टू नो दैट ही वॉन्स ए नॉइट मीन्स क्योंकि जो अपने गुस्से को काबू में नहीं कर सकता तो लोगों को पता चल जाता है कि वह गुस्से में है सो so, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा नेक्स्ट है वेन ही यहाँ पर पी एक डायलॉग फॉर्म में ये क्वेश्चन है डिड नॉट नो क्यू ही वॉज नर्वस एंड आर हर्ट द हीू एंड क्राई एट मिड नाइट एंड एस वट टू डू सो द प्रॉपर सीक्वेंस यहाँ पर एक जो सेंटेंस है वो मीन्स पार्ट्स में टुकड़ियों में भी बन है तो इसमें हमें प्रॉपर सिक्वेंस बनानी है तो देख लीजिए प्रॉपर सिक्वेंस कहाँ से बनती है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो इसका राइट right आंसर है दैट इज़ देख लेते हैं डिड नॉट नो ही वॉज नर्वर्स वट टू डू सो मेनली जो ये क्वेश्चन जो जहाँ से शुरू होगा हर्ड द्यू मीन्स सबसे पहले ये नहीं है कि दिस इज़ अ वर्क फोम ये एक मेनली ये सारा एक क्लॉज है सो हर्ड द ह्यू मीन्स ये होता है कि शोर जो कलाहल होता है मीन्स जो मिक्सअप आवाज होती है एटमोसफेयर में शोरगुल एंड क्राई एट मिड नाइट सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए सो so, इसमें देख लीजिए जो सेंस बन रही है हर्ड ह्यू एंड क्राई एट मिड नाइट ही वॉज नर्वस एंड डिड नॉट नो वॉट टू डू कि शोरगुल की आवाज सुनकर वह नर्वस हो गया और उसे पता नहीं चला कि वह क्या करे सो so, इस तरह आप हिंदी ट्रांसलेट करके इनको इजीली बना सकते हो इनमें कंफ्यूजन भी नहीं रहती है नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल so this is very simple question. राशि is dash honest girl a एन the और a या n सो so ये स्पेशल आर्टिकल का क्वेश्चन है तो इसमें हमें फील करना है इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सो यू कैन गो फॉर दैट राशि इज सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए क्योंकि ये एच है यहाँ पर जो एच है दैट इज साइलेंट एच जो होता है वो साइलेंट है तो यहां पर जो ओ वाउल है उसकी साउंड आ रही है और जो वाउल होता है उसके साथ हम किसका यूज करते हैं एन को सो राइट आंसर एन ऑप्शन बी नेक्स्ट है इंप्रूव द फॉलोविंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिप्लेसिंग द अंडरलाइंट पार्ट

नेक्स्ट है दिस इज 96 सिक्स टू हंड्रेड फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज बाई सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द अमंगस फोर चॉइसेस गिवन अंडर ईच सेंटेंस इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और कंप्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें फर्स्ट वन है आई लेफ्ट होम मैंने घर छोड़ दिया डैश ए वॉक इन द गार्डन सो कंप्लीट इसकी सेंस क्या बनेगी आई लेफ्ट होम टू एच टू हैव ए टेंट सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी आई लेफ्ट होम टू हैव ए वॉक मीन्स मैंने मैं घर से वॉकिंग के लिए टहलने के लिए बगीचे में चला गया नेक्स्ट है डिस्पाइट सेवेर ड्रॉट एक्सीलेंट रिजल्ट हैव बीन डैश इन द एग्रीकल्चर सेक्टर सो गिविन विजुअलाइज एचीव या रिटेन्ड सो यह जो राइटंसर है दैट इज ऑप्शन बी विजुअलाइज की जो ड्रॉट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में विजुअलाइज उनको देखा जाता है जो ड्रॉट होता है जो सूखा होता है अकाल नेक्स्ट है इट इज़ ड्यूटी ऑफ ए फिजिशियन टू डैश द सिक अटेंड, हेल्प सर्व या कि फिजिशियन की क्या जो फिजिशियन होता है डॉक्टर होता है उसकी क्या ड्यूटी होती है अपने पेशेंट को देखना अटेंड करना सो राइट आंसर ऑप्शन ए नेक्स्ट है द बुक विल हेल्प टू डैश योर डाउट्स कि मोस्टली हम स्पीकिंग uh, फॉर्म में भी बोलते हैं कि हमें अपने डाउट्स क्लियर करने हैं फुलफिल कंप्लीट या दिलियर नेक्स्ट है मैन इज अ डैश ऑफ सरकम स्टांसेज मास्टर क्रिएटर स्लेव यज ऑल्सो ए फ्रेज कि मनुष्य गलतियों का पुतला है या मनुष्य एक परिस्थितियों से घिरा हुआ प्राणी है सो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी मैन इज ए क्रिएचर ऑफ सरकमस्टांसेस नेक्स्ट है दिस इज वन जीरो वन टू वन जीरो फाइव फिर इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर प्रेपोजिशन ये स्पेशली प्रेपोजिशंस का है ही इज जूनियर डैश मी दिस इज वेरी इजी माई टू देन यर ऑफ ही इज जूनियर टू मी सो राइट आंसर इज हेर ऑप्शन बी नेक्स्ट है यू आर सीनियर डैश मी दोनों सेम ही है यू आर सीनियर डैश मी ओफ देन टू यू फ्रोम सो यहां पर जो राइट right आंसर है ऑप्शन सी टू जूनियर टू मी या सीनियर टू मी नेक्स्ट है सूर्यवाज टाइमली वैश द डेंचर अबाउट ओफ अगेंस्ट या फ्रोम मेनली जो ये वर्ड रहता है यहाँ पर इसके साथ जिस प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है जैसे वान वान के साथ किसका यूज़ किया जाता है सो so, यहाँ जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन बी ओफ वां ओफ नेक्स्ट है यू शुड बी वेअर डैश डॉग्स तुम्हें कुत्तों से सावधान रहना चाहिए फ्रोम ओफ अबाउट या अगेंस्ट So, यहां जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन अब बी अबेयर ऑफ बीवेयर होता है सावधान रहना नेक्स्ट है अनिल अनिलूज डैश मर्डर सो so, यहां पर ऑप्शन हैं दैट इज ऑफ ऑफ फ्रॉम विद या अबाउट सो so, जो एक्यूज वर्ड होता है उसके साथ किस ऑप्शन का यूज किया जाता है वो के साथ ऑलवेज ऑफ uh, का यूज किया जाता है तो राइट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज अक्यूज ऑफ नेक्स्ट है दिस इज 96 सिक्स टू हंड्रेड राइट सिनोनिम्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ईगर ईगर क्या होता है जो चालाक होता है क्लेवर डिवोटेड एंथियोजास या क्यूरियस सो so, यहाँ जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन सी एंथ्यूजास्टिक मींस ये सारे बिल्कुल इसके जो तकरीबन सेम से ही मीनिंग है लेकिन जो ईगर होता है वो होता है अति अनुरागी जिसमें अति अधिकता हो नेक्स्ट है प्लेसिड प्लेसिड क्या होता है प्लेसिड होता है जो सौम्य शांत स्वभाव का होता है ऑप्शंस हैं क्लियर काम एंजॉएबल डल मेनली क्या होता है कि जो एंटोनियम या सीनोनियम हम करते हैं हमें उनके जो मीन्स हैं हिंदी मीनिंग वो याद होनी चाहिए सो so, इसका जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन बी प्लेसिड मीन्स काम यानी शांत होना नेक्स्ट है को मैमोरेट को मेमोरेट मीन्स जैसे किसी को याद करना पुनः स्मरण करना बोस्ट मेनिपुलेट रिमेंबर या हारमोनोनाइज सो राइट आंसर है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन सी यानी किसी को याद करना नेक्स्ट है डेफी डेफी मीन्स जैसे पूजा पाठ करना सो राइट ऑप्शन है यहाँ पर फेस वर्शिप चैलेंज या फ्लैट सो so, जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन बी वर्शिप मीन्स भी पूजा पाठ करना या देवलान मानना नेक्स्ट है अमेनिटीज अमेनिटीज मीन्स जो सुविधाएं होती है फैसिलिटीज सो so यहां पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी मीन्स फैसिलिटीज सुविधाएं जो सुख सुविधाएं होती है नेक्स्ट है राइट द एंटोनिम्स अब इसके एंटोनिम्स देखने हैं यहां पर ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी क्या होती है मीन्स जैसे एकाधिकार या एक शासन डिपेंडेंस बॉर्डिनेशन या स्लेवरी सो राइट आंसर है यहां पर दैट इज ऑप्शन डी ऑटोनॉमी मीन्स एकाधिकार स्वतंत्रता या दासता स्लेवरी क्या होती है स्लेवरी होती है दासता नेक्स्ट है रिसीड रिसीड क्या होता है रिसीड होता है दूर करना या पीछे हट जाना रश अडैव अप्रोच या फॉरवर्ड so सो so इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी दैट इज अड अडेव सो दैट इज अडेविन ए डी वी ए दिस इज एन इसका मीन्स होता है जैसे लाभ कमाना और रिसीड का मीन्स दूर जाना या कम होना सो so, नेक्स्ट है ट्रेजिडी ट्रेजडी मीन्स दु ह्यूमरस कॉमेडी रोमैंस या कलैमिटी सो राइट आंसर है यहाँ पर दैट इज़ ऑप्शन बी क्योंकि ट्रेजडी का जो अपोजिट होता है दैट इज कॉमेडी सुखांत यानी जो हास्य नाटक होता है नेक्स्ट है किंडल किंडल इन्जॉइन इट एनकरेज इग्नोर या एस्टे एक्सटेंग्विश सो आंसर है ऑप्शन डी दैट इज एक्सटिंग्विश नेक्स्ट है शेलो शेलो क्या होता है जो जैसे उथला होता है हाई हिडन डीप या हॉलो सो राइट आंसर है यहां पर दैट इज ऑप्शन सी डीप ये उथला यानी ऊपर हो गया ये डीप गहरा नेक्स्ट है विच इज इनकोरेक्टली स्पेल्ट वर्ड इनकोरेक्टली वर्ड पूछा गया है सो देख लीजिए ट्यूमिल्टस रेपसोडिकल पैसेंजर या ड्यूल सो so, जो राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन डी ड्यूल सो यहां पर जो ड्यूलैर्ड वर्ड है यहां पर ई की जगह ए आएगा और इसका मींस होता है मंदबुद्धि मींस ए स्लो और स्टूपिड पर्सन नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटिट्यूटेड फॉर द फॉलोविंग दैट इज पैनेटोसक्रेसी प्लूटोक्रेसी ऑलिग्रेसी या डेमोक्रेसी सो राइट आंसर है यहां पर सो so, यहां पर आएगा गवमेंट बाय द वेल्दी सो so, इसको जो सब्सटीट्यूट करता है दैट इज ऑप्शन बी प्लूटोक्रेसी यानी धनिक तंत्र यानी अमीर लोगों की सरकार नेक्स्ट है पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक वन मस्ट डू डैश जॉब सिंसियरली हिज वन वन या वंस या हर सो राइट आंसर है यहां पर दैट इज ऑप्शन सी वंस यानी अपनी खुद की जॉब क्योंकि यहां पर मेनली जो निजता यानी दिखाई गई है कि हमें अपनी जो जॉब है उसे सिंसियरिटी से करनी चाहिए नेक्स्ट है सिलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप एज दर्स्ट स्पियर फेंस ईपी मैंगल आयरन बाओ एरो ग्रास ब्लेड सो so, मेनली बिल्कुल थरस्ट के जैसा सो so, यहाँ पर जो इसका सेम रिलेशनशिप बन बनता है दैट इज ऑप्शन है जैसे जो स्पीयर होता है स्पीयर होता है भाला और थ्रस्ट थ्रस्ट होती है जो तेज़ धार जिसे आक्रमण किया जाता है यानी जो स्पीयर भाला जो होता तो है वो तेज़ नोकधार होता है इसी तरह एपी जो होती है एक खड़ी स्टील की तलवार होती है जिसे जो बिल्कुल फेंस होती है नुकीली होती है सो so, इन दोनों का इसी तरह रिलेशन है जैसे इनका है सो राइट आंसर ऑप्शन ए नेक्स्ट है वट इज द अपोजिट ऑफ क्विजिसेंट तो इसका क्विजेंट का अपोजिट देखना है दैट इज़ डोमेंट एक्टिव डार्क या डर्टी सो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी क्विजेंट होता है जो सुस्त होता है और इसका अपोजिट हो जाएगा एक्टिव नेक्स्ट है गिव द एंटोनिम्स ऑफ क्वेश्चन फाइव इज टू इजी यूनिवर्सल दैट इज़ जो यूनिवर्सली हो नैरो रीजनल मिनिचर या सब्सिडी आरी सो राइट आंसर है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन भी क्योंकि यूनिवर्सल जो हो गया वो ऑल हो गया मीन्स यूनिवर्स में सब कुछ आता है से अर्थ अर्थ से ऊपर का एरिया मीन्स सब कुछ और इसका पॉजिट हो जाएगा दैट इज रीजनल जो रीजन से एक क्षेत्र से संबंधित हो नेक्स्ट है अलाइव अलाइव अन्स जो जीवित हो पैसिव डेट एजली बी ए ड्रॉजी सो राइट आंसर है यहां पर दैट इज ऑप्शन बी डेट नेक्स्ट है एंसेस्टर्स एनसेस्टर्स मीन्स जो फॉलोवर्स होते हैं स्पोर्टर्स डिसाइपल्स फॉलोवर्स या डिसेंडेंट्स सो राइट आंसर है यहां पर दैट इज ऑप्शन डी डिसेंडेट क्योंकि ये इसका ही सिनोनिम्स है एंसेस्टर्स होते हैं जो फॉलोअर्स होते हैं नेक्स्ट है एंडाओ एंडाओ क्या होता है जैसे कोई धर्म के नाम पर जैसे दान किया जाता है और या फिर मरोड़ना या जबरदस्ती खींच लेना बरो बोरो स्टील snatch या एक्सटोर्ट सो राइट आंसर है यहां पर दैट इज ऑप्शन ए यहां पर दान देना और बोरो उधार लेना नेक्स्ट है सिंथेटिक सिंथेटिक सो ऑप्शन है यहां पर नेचुरल प्लास्टिक एफेबल ये कॉस्मेटिक सो राइट आंसर है ऑप्शन ए नेचुरल क्योंकि सिंथेटिक जो होता है वो अप्राकृतिक होता है होता है और ये नेचुरल होता है ये अननेचुरल होता है नेक्स्ट है

नेक्स्ट है आई डोंट लाइक टू वियर फॉर्मल डैश ट्राउजर कैप शूज ट्राउजर्स सो राइट आंसर है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन डी फॉर्मल ट्राउजर्स क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन गिवन है ये कन्फ्यूज करने के लिए है सो so, आप देख लीजिए कि यहाँ पर सिंगुलर uh, आएगा या प्लूरल आएगा सो so, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आएगी नेक्स्ट है हर डैश शूज टू द ओकेजन क्लॉस फर्नीचर शूटकेस ये क्लॉथ्स सो यहाँ जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए हर क्लॉथ्स उसके कपड़े जो है वो ओकेजन के की हिसाब से अच्छे लग रहे हैं नेक्स्ट है दिस माइजर मैन डज नॉट गिव डैश टू बेगर्स आम ब्लैसिंग वेल्थ या आम्स आम क्या होती है जैसे भिक्षा देना या भीख देना सो so, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी दिस माइजरमैन डज नॉट गिव ब्लासिंग्स टू वेगर्स नेक्स्ट है माई डैश हैव बिन स्टोलन फ्रॉम द वेटिंग रूम बिलोंगिंग बिलोंगिंग्स फर्नीचर्स या लगेजेस सो राइट आंसर है यहां पर दैट इज ऑप्शन बी माई बिलोंगिंग्स बिलोंगिंग्स मीन्स मुझसे संबंधित जो सामान था वो वेटिंग रूम से गायब हो गया है या किसी ने चुरा लिया है नेक्स्ट so है दैट इज गिव दिनियम्स वन 131 वन टू 35 secure सिक्योर सिक्योर क्या होता है सुरक्षा करना सीक्रेट सेफ सिनोनियम्स देखना है हमें इसका कंफर्टेबल या इंडिपेंडेंट सो so जो राइट right आंसर है यहां पर दैट इज ऑप्शन बी क्योंकि सिक्योर क्या होता है वो सेफ रखना होता है नेक्स्ट है टायरनी टाय मीन्स मिसरूल पावर मैडनेस या क्रूएलिटी सो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन डी टायरनी क्या होती है जैसे जिसको जो तानाशाही बोली जाती है मीन्स बहुत ही ज़्यादा किसी को बोलीज करना यानी क्रूरता का व्यवहार करना नेक्स्ट है ओप्लीगेटरी मीन्स यूजफुल रिक्वायर्ड स्टबन या एग्रीएबल सो so, जो इसका राइट right आंसर है दैट इज ऑप्शन बीज रिक्वायर्ड ऑब्लिगेटरी होता है जो कंपल्सरी uh, होता है रिक्वायर्ड होता है नेक्स्ट है कॉनोनोशियर मीन्स हैडिंग इग्नोरेंट इंटरप्रेटर डेलिक्वेंट या लवर ऑफ आर्ट सो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए जो हैडिंग होता है यानी जो है uh, जो दिखता है और इसका जो सिनोनिम्स हैडिंग मीन्स दैट इज इग्नोरेंट सो so, जो ये वर्ड है यहां पर दैट इज इग्नोरेंट क्योंकि हमें यहां पर इसका सिनोनिम इंस्टूड है सो so, यहां पर ये दिस इज मिस यहां पर आएगा फैंसियर F A N C I E R फैंसियर मीन्स जो कॉनोनसियर होता है नेक्स्ट है इम्प्यूटियस वॉयलेंट रिसोर्सफुल प्लेजिंग या मैड कैप सो राइट आंसर है यहां पर दैट इज ऑप्शन डी मैड कैप नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग अप्रोप्रिएट कंजक्शन शी लिशन टू म्यूजिक डैश ट्रेवलिंग होम वेन इफ वाइल एंड सो ये जो दोनों जो सेंटेंस हैं छोटे छोटे जो क्लॉजेज हैं वो कंजक्शन से एड होते हैं सो so हमारा जो राइट right आंसर है ऑप्शन सी क्योंकि वह म्यूजिक सुन रही थी घर पर आते समय जब तक वह घर नहीं पहुंच गई तब तक वह म्यूजिक सुन रही थी नेक्स्ट है फिर इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट प्रपोजिशन द सब मेरीन वेंट डैश द सी अंडर थ्रो इन टू या अब सो राइट आंसर है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन ए क्योंकि पानी के जो है वो अंदर जाया जाता है वेंट अंडर द सी नेक्स्ट है चेन ऑफ इजलैंड इज कोल्ड एज कॉमेटी मेगा इजलैंड अलाक्स या आर की प्लेगो सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो राइट आंसर इज हियर दैट इज ऑप्शन डी आर की प्लेगो मींस जैसे फॉर uh, एग्जाम्पल ये इजलैंड है तो इजलैंड की इस तरह की चेन को क्या बोला जाता है दैट इज आर की प्लेगो यानी द्वीप समूह नेक्स्ट है अ फीमेल रैबिट इज कॉल्ड अ बक पपी डॉय या मे की जो रैबिट होती है मादा रैबिट होती है उसको क्या कहा जाता है दैट इज डॉय ऑप्शन सी नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड आउट एरर

यू हैव टू सबमिट मीन्स आपको यहां पर लिखना है यू हैव सबमिट यहां पर टू तो की नीम नहीं है नेक्स्ट है इन द गिवन सेंटेंस बिलो फोर वर्ड्स दिस इज फोर एफ ओ यू आर वर्ड्स आर अंडरलाइंड these are numbered a b out of four this will be wrongly spelled find out the word which is not spelled this is word not world political decisions out to have a rationate no error so yahapur amara right answer that is option c out. Next. Select the correct meaning of the underlined idiom Rashi always cuts both ends. Behave dishonestly. Work on both sides. Inflicts injuries on others. This is others. Argues in support of both sides of the issue in none of the अबव जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी इन बो इन बो इंसपोट बोथ साइड्स ऑफ द इशू नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज गिवन इन द ऑप्शंस यहां पर फ्रेज गिवन है शुड रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज आई वाज़ टेकन बैक बाय सडन कमेंट ऑन द इशू अब यहां पर देख लीजिए क्या आएगा वुड बी टेकन बैक वॉज टेकन बैकवर्ड्स वॉज टेकन बैक या वेक बैक्स सो यहां पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी वॉज आई वॉज टेकन बैक आई वॉज टेकन बैक जो सेम यहां पर गिवन है नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ द फिल्म जी इज फिल्म जी का अपोजिट देखना है फ्रॉल फॉर्म सैक्रेड या फिल थी सो राइट आंसर है यहां पर दैट इज ऑप्शन बी फॉर्म नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर पेयर वर्ड्स गिवन है ए कंट्रोवर्शियल प्लान टू बिल्ड एन इमेंस डैम इन ब्राजील्स रेन फॉरेस्ट वॉज रेन फॉरेस्ट है ये वॉज टालन इट डैश ए फॉर्मिडेबल ब्लॉक ऑफ डैश इन इकोलॉजिस्ट एंड इंडाइजनस ट्राइब्स अलाइक रिजल्टड हॉस्टेलिटीज गेंटस्ट अट्रैक्टेड ओपोनेट्स या लीड या प्रोटेस्टर्स सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी अट्रैक्टेड वेन इट अट्रैक्टेड ए फॉर्मिडेबल ब्लॉक ऑफ ओपोनेट्स इन इकोलॉजिस्ट सो जो इसकी सेंस को कंप्लीट करता है वो इसमें फील करना है नेक्स्ट है फोर वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दैट इज सोनिम मेनली जो इसमें स्पेलिंग्स मिस्टेक्स में आते हैं मेनली जो लिटरेरी वर्ड होते हैं या साइंटिफिक वर्ड होते हैं वो ज़्यादा आते हैं स्वडोनिम सूडोनिम मेनली जो यहाँ पर गिवन है वो ये लिटरेरी वर्ड है और ये वाले साइंटिफिक वर्ड्स हैं सूडोनिम या सोडोनिम सो so, जो यहां पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी सूडोनिम नेक्स्ट है गोरमेंट डाइज गोरमेंट डाइज गोरमेंट डाइज या गोरमेंट डाइज सो so, यहां पर जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी गोरमेंट डाइज नेक्स्ट है जेनोफोबिया अब जेनोफोबिया के आप स्पेनिंग देख लीजिए कौन सी सही है सो राइट आंसर इज हेयर दैट इज ऑप्शन ए एनोफोबिया सो जेनोफोबिया सो राइट आंसर इज हेयर दिस इज नॉट दिस इज जेड सो राइट आंसर है यहां पर दैट इज ऑप्शन डी जेनो ये नहीं है कि जेड देख के हमें इसको करेक्ट कर देना है ये एक्स ई एन ओ जेनो फोबिया पी एच ओ बिया ये सो नेक्स्ट है अपियरेंस अपेयरेंस या अपियरेंस या अपियरेंस जो मेन बेसिक स्पेलिंग्स होती हैं वही मेन होती है सो राइट इज हेयर दैट इज ऑप्शन सी ये अपियर से भी आप इसको कर सकते हैं अपियरेंस सो नेक्स्ट है कॉनोशियर मेनली जो ये अभी हमने डिस्कस किया था सो राइट आंसर है यहां पर दैट इज ऑप्शन ए कॉनोशेयर सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन सो हम अगेन देख लेते हैं अपना 150 फिफ्टी क्वेश्चन सो जो यू कोनोशियर्स हैं इसकी जो स्पेलिंग हम दोबारा इसको कर लेते हैं सो so, कोनोशियर की जो स्पेलिंग है दैट इज मेनली इसमें सी ओ डबल एन ये ऑप्शन इसमें कट गया है सी ओ डबल एन वाले हैं सी ओ डबल एन ओ आई डबल एस ये डबल एस वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है सो दिस इज रॉन्ग सो दिस इज ऑल अबाउट दिसशन थैंक यू सो मच